से कॉन्सेप्ट है लेंजेस लॉ। हमने पिछले वीडियो में देखा था फैराडेस लॉ, फैराडे के लॉ के अंदर इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव डीटी आता है, माइनस क्यों आता है, बिकॉज ऑफ लेंजेस लॉ। लेंजेस का नियम जो है वो ये बताता है कि सर्किट में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है या ईएमएफ किधर है, प्लस माइनस किधर है। उसको समझने के लिए पहले इस कॉइल को देखिए, अगर इस कॉइल के अंदर करंट ऐसे एंटी क्लॉकवाइज से बह रहा है तो मैं अपना थंब खोलूंगा तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब इस करंट से बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। और अगर यहां देखिए मैं इसको चार उंगलियों को इस तरीके से रखूं तो मेरा थंब खोलूं तो ये आउटसाइड है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। लेंजेस लॉ ये कहता है कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में होने वाले चेंजेस का अपोज करने वाला डायरेक्शन में ही करंट का डायरेक्शन होता है। एग्जांपल के तौर पर देखिए डॉट डॉट है और इसमें एक कॉइल रखा हुआ है, रिंग रखा हुआ है। सवाल यह कि अगर मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूं तो इसमें से करंट का डायरेक्शन क्या होगा। जाहिर सी बात है अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो सिस्टम मैग्नेटिक फील्ड को घटाने की कोशिश करेगा, फ्लक्स को घटाने की कोशिश करेगा। तो घटाने का मतलब अगर यहां डॉट है तो इसमें से ऐसा करंट चलाइए जो क्रॉस हो जाए, क्योंकि एक बाहर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है तभी तो क्रॉस होगा। तो अगर मुझे क्रॉस करना है, क्रॉस करना है, क्रॉस करना है तो फिर करंट का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, यानी आपका आंसर आ जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अंदर फ्लो होगा। कैसा लगा कमेंट करके और बताएं, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एंड इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड घटा रहा होता और यहां क्रॉस होता तो फिर करंट का डायरेक्शन क्या होता। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद। इतना।